हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में नंबर सिस्टम से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है एपी। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस पे बेस्ड हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एपी पढ़ने के लिए आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। यू नीड टू नो अबाउट दीज टू फॉर्मूलाज। ये है ए एन इज्क्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए एन होता है एनवा पद, यानी जो एनवा टर्म होता है उसको बोलते हैं हम ए एन। ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है टर्म जो दिए हुए थे नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन, एंड डी होता है डिफरेंस, जो कि डी डिफरेंस होता है ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू, उन दोनों जो टर्म्स के बीच का गैप होता है उसे डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एस एन इजक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स, एंड एन आपको पता है टर्म टू ए आपको पता है फर्स्ट टर्म, एन आपको पता है एंड डी डिफरेंस, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे कि कैसे हमको अप्लाई करने हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई थ्री। इसका मतलब है कि तीन डिजिट के कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्या है जो कि तीन से विभाजित हो जाती हैं। ये क्वेश्चन कई अलग अलग तरीकों से बन सकता है। यहाँ पे थ्री की जगह फोर टू सिक्स सेवन नाइन कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले बस इसका एक ही मेथड है, आपको फॉर्मूला लगाना है ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, इसके लिए हमें फाइंड करना होगा ए एन, ए एन तो हमें क्वेश्चन में निकालना ही है, और डी, ये चीजें तीनों हमको गिवन है बट हमें पता नहीं है कि क्या है वो। अब सबसे पहले तीन अंकों की ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि तीन से डिवाइड होती है, तो सबसे छोटी होती है 102। 102 इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई थ्री, एंड उसके बाद होती है 105, 105, एंड लास्ट जो थ्री डिजिट की जो सबसे बड़ा नंबर है जो कि डिविजिबल बाय थ्री है विच इज 999। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, अब आपको फॉर्मूला यहाँ पे, ये जो सीरीज है ये आपकी बनी हुई है एपी। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे ए एन है जिसे हम एल बी बोलते हैं विच इज 999, ए इज 102 फर्स्ट टर्म प्लस एन। एन हमें फाइंड करना है क्योंकि नंबर्स हमें फाइंड करने, हमें टर्म्स फाइंड करने, कितने टर्म्स आ रहे हैं उसमें, कितने पद आ रहे हैं। एन माइनस वन डी, डी ऑलवेज अगर थ्री, यहाँ पे क्वेश्चन में थ्री पूछा है तो इसका डी थ्री होगा, अगर क्वेश्चन में फोर पूछा होता तो डी फोर होता। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट 999, 102 को हम इस साइड ले आए, यहाँ थ्री की हमने मल्टीप्लाई कर ली, थ्री माइनस वन इंटू थ्री, इसमें से माइनस किया तो 9n 897 और 3n-3। अब 3 को फिर से इस साइड ले आएंगे तो 3n इज इक्वल टू 897 प्लस 3 विच इज 900, एंड n इज इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 100। इसका मतलब 100 ऐसे नंबर्स हैं जो 100 ऐसे थ्री डिजिट के नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाई 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और सब अब मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है और आपको मैथ्स थोड़ा टफ लगता है, तो सबसे पहले आप उसके लिए एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये है आपकी आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लेना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज बेस्ट बुक फॉर बिगिनर्स। अगर आप लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम फ्रेंड।